सच जरूरी है। नमस्कार, मैं कंचन एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं 10 की 10 तक। जी हां दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है, हमारे इस स्पेशल क्राइम प्रोग्राम में हम आपको सबक रहने की, सजग रहने की नसीहत देते हैं। हम आपको बताते हैं कि कैसे हमें अपने आप को और अपने परिवार को सुरक्षित रखना है। देखते क्या है आज का मामला। बाहर वाली के लिए खौफनाक कदम, पहले पत्नी की हत्या, फिर 1 साल की बेटी को पटक कर मार डाला। जी हाँ, सही सुना आपने। आज के समय में हमें यही सब, जैसा कि इतने दिनों से मैं आपको बताते जा रही हूँ, लव मैरिज, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, पति पत्नी की हत्या, बेटे ने पिता की हत्या की, माँ को मार डाला, बहन ने बहन को की हत्या कराई, रेप किया, यही सारी चीज़ें कलयुग में आज चल रही हैं। हम कंटिन्यू यही सारे हादसे हमारी आंखों के सामने बर्बरतापूर्ण होते हुए देख रहे हैं। दिन रात हम इन चीज़ों से घिरे हुए हैं, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। देखते हैं क्या है आज। बाहर वाली के लिए खौफनाक कदम उठा लिया, पहले पत्नी की हत्या की, फिर 1 साल की बेटी को भी पटक कर मार डाला। अवैध संबंध के चलते एक शख्स ने पत्नी और मासूम बेटी की हत्या कर दी। घटना की सूचना पर जब पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक आरोपी अपने परिवार के साथ फरार हो चुका था। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बिहार के नालंदा से अवैध संबंधों को लेकर एक खौफनाक कहानी सामने आई है। इस कहानी का विलेन शादीशुदा शख्स है, जिसने अपनी प्रेमिका के लिए पत्नी और मासूम बेटी को रास्ते से हटाने के लिए वो किया जिसे देख और सुनकर रूह कांप उठती है। विरोध करने पर आरोपी ने पहले अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या की, फिर 1 साल की बच्ची को पत्थर पर पटक कर मार डाला। मृतका की भाभी सारे थाना इलाके के सैबरुद्दीन गांव निवासी कंचन देवी ने बताया कि 2015 में जयमंती की शादी हुई थी। शादी के कुछ साल तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन कुछ समय बाद उसके पति के गाँव की ही एक महिला के साथ अवैध संबंध हो गए, जिसका वो बार बार विरोध करती थी। मंगलवार की रात युवती को घर लेकर आ गया। इस पर पति पत्नी के बीच जमकर विवाद हुआ। मृतक महिला ने इसकी जानकारी अपने मायके वालों को फोन पर दी। इस बात का पता चलते ही आरोपी ने पहले 1 साल की मासूम को जमीन पर पटक कर मार डाला, फिर पत्नी का गला दबा दिया। मायके वाले जब बेटी के ससुराल पहुंचे तो उन्होंने देखा कि माँ बेटी की लाश पड़ी है। उन्होंने तुरंत ही इसकी सूचना पुलिस को दी। वारदात को अंजाम देने के लिए आरोपी और उसके पिता माता घर छोड़कर फरार हो चुके थे। वहीं मामले में थाना अध्यक्ष शोएब अख्तर ने बताया कि महिला की मौत की सूचना पर गांव पहुंची पुलिस को पास में ही उसकी बेटी का शव मिला है, पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। मायके वालों के आरोप को ध्यान में रखते हुए पुलिस जांच कर रही है। आरोपी गांव से फरार है, बहुत जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बाहर वाली के लिए खौफनाक कदम, पहले पत्नी की हत्या, फिर 1 साल की बेटी को पटक कर मार डाला। अवैध संबंध के चलते एक शख्स ने पत्नी और मासूम बेटी की हत्या कर दी। घटना की सूचना पर जब पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक आरोपी अपने परिवार के साथ फरार हो चुका था। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बिहार के नालंदा से अवैध संबंधों को लेकर एक खौफनाक कहानी सामने आई है। इस कहानी का विलेन शादीशुदा शख्स है, जिसे अपनी प्रेमिका के लिए पत्नी और मासूम बेटी के रास्ते से हटाने के लिए वो किया जिसे देख और सुनकर रूह कांप उठती है। विरोध करने पर आरोपी ने पहले अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या की, फिर 1 साल की बच्ची को पत्थर से पटक कर मार डाला। मृतका की भाभी सारे थाना इलाके के सबद्दी नगर गांव निवासी कंचन देवी ने बताया कि 2015 में जयमंती की शादी हुई थी। शादी के कुछ साल तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन कुछ समय बाद उसके पति के गांव की ही एक महिला के साथ अवैध संबंध हो गए, जिसको वो बार बार विरोध करती थी। मंगलवार की रात युवती को घर लेकर आ गया। इस पर पति पत्नी के बीच जमकर विवाद हुआ। मृतक महिला ने उसकी जानकारी अपने मायके वालों को फोन पर दी। इस बात का पता चलते ही आरोपी ने पहले 1 साल की मासूम को जमीन पर पटक कर मार डाला, फिर अपनी पत्नी का गला दबा दिया। मायके वाले जब बेटी के ससुराल पहुंचे तो उन्होंने देखा कि माँ बेटी की लाश पड़ी है। उन्होंने तुरंत ही इसकी सूचना पुलिस को दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी और उसके माता पिता घर छोड़कर फरार हो चुके थे। वही मामले में थाना अध्यक्ष शोएब अख्तर ने बताया कि महिला की मौत की सूचना पर गांव पहुंची पुलिस को पास में ही उसकी बेटी का शव मिला, पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। मायके वालों के आरोप को ध्यान में रखते हुए पुलिस जांच कर रही है। आरोपी गांव से फरार है, बहुत जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। देख
देखा दोस्तों किस तरह एक पति ने अपनी अपने अवैध संबंधों के चलते अपनी एक साल की मासूम बच्ची को और अपनी पत्नी की हत्या कर दी। कैसे उस दर्दनाक घटना को उसने अंजाम दिया, कैसे जब वह कर रहा था तो उसके हाथ भी नहीं कांपे, अपनी ही बेटी को उसने मार डाला, अपनी पत्नी की गला रेतकर हत्या कर दी सिर्फ अवैध संबंधों के चलते। बाहर के मामले घर में आने से घर इसी तरह बर्बाद होते हैं। आज की खबरों को यहीं विराम देते हैं, कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी जगह। देखते रहिए MNS News Live, क्योंकि सच जरूरी है। नमस्कार।